नमस्कार दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा हमारे चैनल फोटोग्राफी टिप्स ब्लॉग में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, कैमरा शटर काउंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी हम कोई सेकंड हैंड कैमरा लेते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम पहले कैमरा शटर काउंट चेक करें और फिर परचेज करें। वैसे भी ज़रूरत है, जो हम कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो उसका हम शटर काउंट चेक करें, जो हमें पता चल सके भी कितना शटर काउंट है जो अभी बाकी बचा हुआ है। अगर कोई नज़दीक है तो हमें बॉडी सील कर देनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं सिर्फ 5 मिनट में, ओनली 5 मिनट में। अगर आप मोबाइल पे भी चेक कर सकते हो और लैपटॉप पे कंप्यूटर पे भी चेक कर सकते हो, बहुत ही आसान है। मैं आपको सिर्फ दो साइट ऐसी बताना चाहूँगा जो बहुत ही अच्छी साइट हैं कैमरा काउंटिंग के लिए, और आप एक मोबाइल में भी चूज़ कर सकते हो और एक को आप लैपटॉप में चूज़ करोगे। लैपटॉप पे चूज़ करोगे आप, उसके साथ आपको कैमरा अटैच करना होगा, और जो मोबाइल पे चूज़ करोगे उससे ओनली लास्ट फोटो क्लिक होगी, जो उससे काम चल जाएगा। बस फोटो एडिट नहीं होनी चाहिए, एज इट इज़ फोटो अपलोड करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाते हैं, और अब गूगल हम सर्च करेंगे। वहाँ सर्च करना है हमने शटर काउंट डॉट कॉम। जैसे देखो आपने शटर काउंट डॉट कॉम, जब आप जाओगे तो सुनाएगी कैमरा शटर काउंट की, उस पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये देख, ये जो ग्रीन वर्डिंग लिखी हुई है, ये कैमरे के मॉडल लिखे हुए हैं सब। निकॉन कैमरा, कैनन कैमरा, पेंटेक्स है, मॉडल पर बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो सामने आपके लिखा है चूज फाइल लिखा हुआ है, इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, और जो लास्ट क्लिक है हमारे कैमरे का विदाउट एडिटिंग, वो हमने इसमें सेव किया हुआ है। जो फास्ट फोटो हम ले लेते हैं तो इसमें हम क्लिक करेंगे। ये देखिए सामने नंबर आ गया, और सामने अपलोड लिखा हुआ, अपलोड पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम ये लेगी लाइफ, और थोड़ी देर में आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये रिजल्ट आ चुका है, 12,907 क्लिक जो हमारे कैमरे के हुए हुए हैं। कैमरा मॉडल मेरा सोनी 7M3, जो आपके सामने दिख रहा होगा आपको स्क्रीन। तो देखा आपने, ये काम था सिर्फ, इतने में आपका काम हो चुका है। तो अब मैं आपको बताऊंगा दूसरी साइट, जो आप कैमरा अटैच करके लैपटॉप या अपने पीसी के साथ अपने कैमरे की शटर काउंटिंग कर सकते हैं। तो चलो अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, और मेरे पास ये 5G कैमरा है। तो अभी आपके सामने लाइव ही मैं चेक करवाता हूँ। इसमें USB अटैच कीजिए पहले, और अटैच करने के बाद एक सॉफ्टवेयर आता है, तो अभी सॉफ्टवेयर मैं आपको दिखा देता हूँ। जो सॉफ्टवेयर है कैनन EOS डिजिटल इन्फो, ये मैंने डाउनलोड किया है। ये आपको भी मैं इसका लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। इस पर डबल क्लिक करोगे तो रन ऑप्शन आएगी, रन पे क्लिक करना है। तो सामने ऐसा इंटरफेस के सामने आ जाएगा। दोस्तों अच्छी बात है, ये है, और आपने सिर्फ कैमरा ऑन करना है, और ऊपर कनेक्ट लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कैमरे की सारी डिटेल आ जाएगी। ये देखिए 5D Mark III कैमरा, वर्जन, शटर काउंट, सीरियल नंबर, लेंस नेम, सिस्टम डेट टाइम एंड ओनर नेम। मैंने इसमें रजिस्टर नहीं किया है, अगर आपका कैमरा रजिस्टर है तो इसमें ओनर नेम आपका आ जाएगा। तो ये था फ्रेंड दूसरा ट्रिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़।